महानायक व महाराष्ट्र के बागदूत अमिताभ बच्चन ने शनिवार 24 अक्टूबर को बाघों की रक्षा के अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर मुंबई में बाइक रैली निकाली गई। अमिताभ बच्चन ने बाघों की सुरक्षा के लिए युवाओं के सहभाग की प्रशंसा की। व्याघ्र संवर्धनासाठी ही रैली मुंबईवरून निघाली आहे। मुंबईला सदर रैलीसाठी माननीय सुधीरभाऊ मुनगंटीवार या मिनिस्टर मंत्री वने यांनी आणि तसेच आपले बिग बी म्हणजे अमिताभ बच्चन यांनी हिरवे झेंडा दिलेला आहे। रैली आता ती सध्या चंद्रपूरपर्यंत आलेली आहे। मोहर्लीवरून आता ते चंद्रपूरमध्ये त्याचं प्रस्थान होत आहे। चंद्रपूरमध्ये आज संध्याकाळपर्यंत ती फिरस्ते करून व्याघ्र संवर्धनाबाबत सर्व ग्रामस्थांना आणि बाकीच्या यांना संदेश देणार आहेत की व्याघ्राचं जतन करा, व्याघ्र संवर्धन करा। आणि आता ती रॅली निघालेली आहे। अलायन्स राइडिंग नाइट्स नामक संस्था के माध्यम से 30 अक्टूबर तक बाघ संवर्धन संदेश रैली निकाली जाएगी। मेरा नाम राजीव तेलंग है। हमारी जो ये रैली है ये 24 तारीख को मुंबई से शुरू हुई थी, श्री अमिताभ बच्चन जी उनके बंगलों से, और हमारी जो मंत्री जी है श्री सुधीर मुनगंटीवार वो भी साथ में थे। और एक्चुअली हमको इंस्पिरेशन उन्हीं से मिला है। इसका जो कैंपेन है सेव द टाइगर इनिशिएटिव, तो हम लोग वो सपोर्ट कर रहे हैं टाइगर्स को बचाने के लिए। हम लोग अभी मुंबई से निकल के हम लोगों ने 3 टाइगर रिजर्व कवर किए अभी तक। पहला था मेलघाट था, और दूसरे दिन हम लोगों ने पेंच कवर किया है नागजीरा, और फाइनली हम लोग ताड़ूबा। रैली का शुभारंभ व्याघ्रदूत अमिताभ बच्चन तथा वित्त वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने हरी झंडी दिखाकर की। रैली में मुंबई थाने से 20 मोटरसाइकिल सवार शामिल है। रैली मेलाघाट बाघ प्रकल्प, पेंच बाघ प्रकल्प, नवेगांव नागजीरा बाघ प्रकल्प को भेंट देते हुए समापन में ताड़ोबा अंधारी बाघ प्रकल्प पहुंचे। बाघ रैली में शामिल होने वाली मोटरसाइकिल का ध्यान आकर्षित करने के लिए मोटरसाइकिल के सामने के हिस्से को बाघ की खाल के रंग में रंगा गया है। रैली बॉम्बे पास चालू के लिए उक्त रैली में बाघ के खास श्रृंखला का महत्व, बाघों के बारे में जानकारी, बाघों की संख्या, महाराष्ट्र के बाघ प्रकल्पों की जानकारी देते हुए बाघ संवर्धन और संरक्षण का संदेश जनता तक पहुंचाया गया। ही रैली माननीय मंत्री मुनगंटीवार साहेब आणि अमिताभ बच्चन यांनी उद्घाटन केलं होतं। आणि ही रॅली ब्रह्मपुरी नंतर आता ताडोबामध्ये प्रवेश करणार आहे। या रॅलीचं प्रमुख उद्दिष्ट युवकांना कन्झर्वेशनच्या फोल्डमध्ये आणणं हा आहे। मग कसा काय पदवी रॅली बॉम्बे पासून चालू केलेली आहे। माझ्याबरोबर 8 मैत्रीण आहे, तिचं नाव हर्षिणी खाने आहे। चलो
मेरा ऑडियो रिकॉर्डिंग भी नहीं हो रहा है, मैं इसलिए तो मैं अपने मोबाइल से निकल रहा हूँ।